फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY विद शैला। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी, आप रेसिपी कह सकते हैं, जो कि एक ऑयल बनाने की है, नीम ऑयल, जो हर इन्फेक्शन में आपको यूज़ कर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल, नीम इज़ वेरी बेनिफिशियल, जो बैक्टीरिया हटाने के लिए इन्फेक्शन में यूज़ होता है, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नीम के। और आज जो मैं ऑयल, नीम ऑयल बनाने जा रही हूँ, ये स्पेशली मैं अपने एक फ्रेंड के लिए बनाने जा रही हूँ। मेरा ऑफिस कलीग है, उसके स्कैल्प में एक तरह का इन्फेक्शन हो रहा है जिससे बहुत सारी डैंड्रफ बनती है उसके बालों में, और वो बिल्कुल भी डैंड्रफ भी अलग तरह की है, एक थिक डैंड्रफ होती है। तो मैं उसके लिए ये ऑयल बनाने जा रही हूँ, लेकिन आप ये स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं ये ऑयल, अपने फीट इन्फेक्शन जो होते हैं, पैरों में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उस पे भी, इंसेक्ट बाइट पे भी आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के इन्फेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है कोकोनट ऑयल, 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिए हैं। बाकी फिर मैंने लिया है नीम, 2 बड़े चम्मच नीम का मिक्सचर। आप सिंपल नीम लीव्स लेके उन्हें वॉश करके, अच्छे से वॉश करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, और ये पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करना पड़ेगा, और उसका पेस्ट बना लें, और फिर वो पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने लिया है कैम्फर, जिसको हम कपूर कहते हैं, जो पूजा में भी यूज़ होता है। ये देखिए, एक टीस्पून मैंने कैम्फर लिया है। सबसे पहले मैं इसे कैम्फर को डालूंगी ऑयल में। ध्यान रखें आप फ्लेम लो फ्लेम ही रखें, क्योंकि आँच धीमी रखेंगे तभी ऑयल नहीं जलेगा। अगर आप तेज़ आँच पर पकाएंगे, तेज फ्लेम पर पकाएंगे तो ऑयल जल जाएगा, हमें ये जलने नहीं देना है। कैम्फर को हमें, ये जो कपूर हमने डाला है इसमें, इसको हम ऑयल में पूरी तरह से मिक्स होने देंगे। ये देखिए, धीरे धीरे घुल रहा है, ऑयल में मिक्स हो रहा है। ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें फ्लेम बंद कर दें, थोड़ी देर इसे ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर गर्म ऑयल में आप नीम मिक्सचर डालेंगे तो ज़रूर ये पूरा ऊपर उचट कर आपके ऊपर आ सकता है, और आप हार्म हो सकते हैं, इसे जल सकते हैं। तो थोड़ा इसे ठंडा होने दें। देखिए, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कैम्फर की, बहुत अच्छा। कैम्फर भी एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इन्फेक्शन में काम आता है, इन्फेक्शन को सही करता है। आप जले हुए पे लगा सकते हैं, आप फीट इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, जो गीले पैरों में आप सॉक्स पहन लेते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है, आप कैम्फर ऑयल उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नीम ऑयल, नीम कैम्फर ऑयल मैं बना रही हूँ, इसको भी आप इन्फेक्शंस पे लगा सकते हैं। इचिंग हो रही है, रैशेज हो गए हैं, आप सब में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसमें मैंने ये पेस्ट, इसमें नीम का पेस्ट मैंने मिला लिया है। मैं ये बोल भी पूरा साफ़ कर लूँगी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी कटोरे में, ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करना है मुझे। ये सारा मिक्सचर मैंने, नीम मिक्स जो था, ये नीम का पेस्ट इसे मिला लिया है। अब मैं इसको पकने दूंगी, हमें इसे पकाना है ताकि नीम का सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो तेल में आ जाए। चलाते रहना है ताकि ये जले ना। कलर चेंज करने लगा है, डार्क होने लगा है। ये
कितना अच्छा ग्रीन कलर आ गया इसमें। जब तक जो हमने नीम पेस्ट डाला है इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि नीम पेस्ट जल ना जाए और सारा इसका एक्सट्रैक्ट हमारे तेल में ना आ जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। नीम और कैम्फर दोनों ही अगर आप बालों में लगाएं, स्कैल्प पे लगाएं, तो ये हेयर ग्रो में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रो योर हेयर, इन्फेक्शन दूर करेगा। जब आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी तो आपके हेयर अपने आप ही ग्रो करेंगे, डैंड्रफ नहीं रहेगा स्कैल्प में, तो हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर ग्रो करेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अब पूरा जल चुका है और अब इसे मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे स्ट्रेन कर लूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर स्ट्रेन करें। मैंने फ्लेम बंद कर दी है, गैस बंद कर दिया है, क्योंकि ये अब अच्छे से देखिए जल चुका था। सारे इसके नीम एक्सट्रैक्ट हमारे ऑयल में आ गए हैं और अब मैं इसे एक कटोरी में स्ट्रेन कर लूँगी। मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, मैंने चाय छन्नी ली है। ऑयल को अच्छे से इसमें से स्ट्रेन आउट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल निकाल लिया है। इसको थोड़ी देर कटोरी में ही रहने दें ताकि ये सेटल डाउन हो जाए और इसमें जो नीम एक्सट्रैक्ट्स थोड़े से जो वो पाउडर सा नीम का जला हुआ पाउडर आ गया वो नीचे बैठ जाएगा। फिर आप इसे एक बॉटल में डाल के रख लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बॉटल में भर लिया है और ये मेरा नीम ऑयल रेडी है। ये बहुत अच्छा है एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ इट। इसको थोड़ा सा हर रोज़ रात में, अगर आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन है तो आप इसे थोड़ा सा अपनी स्कैल्प पे फिंगर से मसाज करें और रात में सो जाएं, सुबह नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें माइल्ड शैम्पू से। इसको रोज़ एक हफ्ते तक लगाएं, आपके स्कैल्प की डैंड्रफ दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेक इट एट योर होम, बहुत सस्ता है, सिर्फ कुछ नहीं लगा इसमें। नॉर्मल आपको नीम लीव्स फ्रेश लीव्स आपको बाहर कहीं भी मिल जाती हैं, और कैम्फर थोड़ा सा आपके घर में होगा ही, पूजा में यूज़ होता है जो। और आपको बता दूँ, कैम्फर जो आप क्लोथ्स में मॉथ बॉल्स यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करनी है, जो पूजा में जो यूज़ होती है वो वाला कैम्फर यूज़ करना है। और कोकोनट ऑयल 5 रुपये की शीशी ले आएँ, उससे बना लें। ये मैंने थोड़ा सा ही ऑयल बनाया है, आप प्लीज़ बनाएं, मुझे बताएं आपका ऑयल कैसा बना है, आपने यूज़ किया तो बताएं आपको कैसा लगा है यूज़ करने के बाद। प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।